कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की शहादत का इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता व हरियाणा की जनता को जेपी दलाल को देना होगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह ने यह बात करनाल में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे देश में महापंचायतों का दौर चल रहा है, उसी कड़ी में आज वह करनाल पहुंचे हैं। करनाल में एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ोनी व राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की शहादत का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता व हरियाणा की जनता जेपी दलाल को देगी। उन्होंने कहा कि जब तक कि यह तीनों काले कानून वापस नहीं होते, उनका आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में महापंचायतों के जरिए किसानों का जन समर्थक इकट्ठा किया जा रहा है। करनाल में पहुंचने पर गुरनाम सिंह व राकेश टिकैत का किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, परंतु आज तक उन्होंने किसानों को कोई फोन नंबर नहीं दिया है, तो किसान किसे जाकर अपनी बात कहे। बता दें कि दोनों किसान नेता रोड शो के जरिए करनाल के इंद्री में होने वाली महापंचायत में पहुंचे। उससे पहले यहां पर पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सहित पूरे देश में महापंचायतें कर रहे हैं, जिसमें 40 किसान नेता अपना समय निकाल कर किसानों को संबोधित कर रहे हैं और कुछ आगे आने वाले दिनों में महापंचायत में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है, जिसके चलते आगामी दिनों में रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। करनाल में भी आज इंद्री में रखी है और हम सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो लोगों में जागृति करना, लोगों का धन्यवाद करना और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो सभी जिलों में करेंगे आगे की तरफ? जिलों का सवाल नहीं है, सारे देश में करेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो जरूरत भी नहीं है। हरियाणा पंजाब में तो पहले बहुत अच्छी जागृति है, तो बाहर हम और ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरे स्टेटों में और ज्यादा ध्यान देंगे। के बीच में जब जाएगा तो ये सवाल उससे कर जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? नहीं करना चाहिए। कोई किसान की डेथ पे या किसी भी आदमी की अगर डेथ हो रही है और नेचुरल हो रही वैसी हो रही, तो आदमी उस जैसा माहौल उसको बनाना चाहिए। युवा किसानों ने पुतला भी फूंका आज उनका करनाल में कृषि मंत्री का। हाँ भाई, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है ना, मौत पे कोई मतलब नहीं है। वे 2 मिनट का श्रद्धांजलि दे सकते हैं, कोई बहस कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट जो किसान है उसके लिए श्रद्धांजलि। राज्यसभा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र जो तोमर है उनके अलग बयान क्यों देखने को मिलते हैं, जबकि वो कहते हैं कि एक कॉल दूर है? नहीं, वो फोन नंबर बता दो भाई, हमारे सबके नंबर दे रखे, जितने 40 लोग हैं उनके सबके नंबर डाल रखे, हमको तो लोग गाली देते हैं। मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्या बहुत है। सीएम मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, उन्होंने कहा था कि यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हम क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या कुछ चुनाव कर रहे हैं? और जिस किसानों की बात करेंगे, हिंदी में तो शुगर फैक्ट्री भी है, वहाँ फैक्ट्री बढ़ रही थी। एक तो मुख्यमंत्री सबसे पहले उस फैक्ट्री को बढ़ावे, पूरे प्रदेश में जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ावे, गन्ने की खरीद यहाँ पर ठीक, उस सबका भुगतान बढ़िया हो, जीरी का है उसके ठीक भुगतान हो, उसके पैसे मिले, बिजली, तो सारी समस्या। अगर कृषि मंत्री जेपी दलाल जो डरने की जरूरत नहीं, हम तो पंचायती तो करें, जो किसानों के मसले हैं वही तो गरीब में तो बातचीत करें। और जिस तरह से यानी कि आप 26 जनवरी से पहले काफी यानी कि धाकड़ बयान देते थे, अब नप्पे तुले बयान देते हैं कुछ, अरे ये प्रेस वाले उसी में से काट छाट के फिर चला देते हैं। जो पाप करा है ना खट्टर जी ने, भाई NH को खोदा इन्होंने, नेशनल हाईवे को डैमेज करा। हम तो दिल्ली जा रहे थे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं था भाई, जब चंडीगढ़ इनको घेरने जाएंगे तो ये जब ही तो काम करेंगे। अब लोग के ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, 307 की ये सब धाराएं लगा रहे हैं, दुनिया भर के कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, कागज भेज के इस आंदोलन को दबाएंगे। ये आंदोलन वैचारिक क्रांति है, ये विचार से उत्पन्न हुई, तो विचार से ये खत्म। 18 को रेल रोको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.